अब पता नहीं कब मिलेंगे, पता नहीं कब। मजाक होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी टाइम 12 बजने वाला है और 12 बजे मेघा का कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डे है कॉलेज का। तो मैंने सोचा है कल का बदला लूँगा मैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी और कहा भी कि प्रियंका का बदला लो, तो मैं जा रहा हूँ सीधे कॉलेज और उसके बाद आप खुद देखिएगा क्या बदला होने वाला है। तो पहले पकड़नी है बस। तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि यहाँ से आधा घंटा लगेगा मुझे बस पकड़ने में, और अभी जो टाइम 12 बजे के आसपास हो गया, तो 12 बजे पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो यानी कि आधा घंटा उन लोगों को लग जाएगा बाहर आने में। तो अभी गाइस मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ काफ़ी देर से, अभी बस नहीं आई है। तो जैसे ही बस आती है वैसे ही मैं पहुँचता हूँ सिद्धू वाला, यार पेपर ख़त्म ना हो जाए बस, क्योंकि मेरे को इसी का टेंशन है, पेपर ख़त्म हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। तो मेरा जो प्लान है यहाँ से उसके कॉलेज जाने का, और उसके बाद उसी के कॉलेज की लड़कियों को से बात करने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आ चुका हूँ प्रेमनगर, यहाँ से दो ऑटो बदलने पड़े, बस में आने की सोची थी लेकिन फिर बस मिली ही नहीं, लेट हो रहा था काफ़ी, तो फिर मैंने चेंज कर लिया। यहाँ पर आपको आर्मी वाले बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे क्योंकि यहीं पर ही बगल में इंडियन डिफेंस एकेडमी है जो कि एनडीए की ट्रेनिंग देती है। तो गाइस अभी मैं कॉलेज के बाहर पहुँच चुका हूँ, अभी टाइम हो गया 1:02, और ये देखिए तो इन लोगों का लास्ट देना है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। संदीप तुम कब आए? तुम्हें पता चला? हेलो हेलो हेलो, चले फिर, यहाँ पर धूप हो रही है, चलो चलो यार, चलो आ जा बेटी। और यहाँ पर आज लास्ट देना है तुम लोगों का? हाँ भाई लास्ट होगा, अब पता नहीं कब मिलेंगे, पता नहीं कब मिलना होगा, अब मिलना तो होता है पहली बार। अब मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे पहली बार। Where is मेघा? तुम्हारी दोस्त तो पीछे रह गई, आ रही है, चलो हम चलते हैं तो आई जाएगी। मेरा भी लास्ट ही है आज। कोई बात नहीं, तुम तो यहीं के हुए, घर के मुर्गी दाल बराबर हुए। लास्ट डे है। हाँ। अच्छा। ये क्या बोल दिया? घर की मुर्गी। फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स मिले हैं तुमको, और तुमने इंट्रोडक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और सिद्धि तो आगे चल के बात कर लेंगे ना। मिलवाने तो दो यार, इंट्रोडक्शन हमने खुद कर लिया। इंट्रोडक्शन हो गया, हो गया हमारा प्रॉपर। दे ऑल आर इग्नोरिंग मी गाइस, दे ऑल आर वो जमाना क्या जब हेलो हाय करते हैं सीधे चलते हैं, बता दो कोई और ऐसे चांस का लगा तो यार। पहली बार मिले ना, पहली बार में ही फ्रैंक। ठीक है संदीप, बढ़िया है, चलो फिर चलते हैं आगे को। चलो तुम कहां आ रहे हो? कहां आ रहे हो? ठीक है मैं, ओ माय गॉड, आजा, मजाक कर रहा हूँ यार, आजा। अपने दोस्तों से कहो। हाय तो मैंने बोली थी, हमारी इंट्रोडक्शन दी गई। ये और मैं एक ही दिन पैदा हुए हैं। कब? 30 नवंबर। एक दिन आता है 30 नवंबर। मजा आता होगा ना फिर, एक ही जैसे कपड़े अलग। एक साथ केक काटा था पिछली बार, ऐसे केक लेकर आई थी। मैं तो सो रखी थी शाम को, मुझे क्या पता जागती थी मेरे लिए केक लेकर आई, अपने बर्थडे में मेरे लिए भी केक लेकर आ रखी है, गिफ्ट भी लेकर आ रखी है। और मैंने लिया नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट डे दे दूँगी, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैंने इसको डायरी और एक पेन दी, कह रही तुम पढ़ती हो ना इसलिए पढ़ने वाले बच्चे ये गिफ्ट दिए। मैंने कहा मेरा मजाक, आपने मुझे कितनी बुरी तरह इग्नोर किया, मुझे आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। बेटा कल का बदला है, मेरे दोस्तों से तो आप पहली बार मिले थे ना, मुझे कैसे इग्नोर करके चले गए। तो मेरा लड़कों का क्या होता है ना, दोस्तों को लड़कियों से जैसे मिलते हैं उनको अपना बना लेते हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ फिर मेरे अपने हो गए थे, दोस्त तो तुम्हारे नहीं थे, मेरे खास दोस्त। मैं आपके साथ ब्लॉग बना रही हूं, मैं आपकी दोस्त नहीं। तुम भी हो, तुम खास दोस्त हो ना, तभी तो मैंने तुम्हें इग्नोर किया। खास दोस्तों को इग्नोर किया जाता है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लड़के मिलेंगे तो समझो समझो इशारे। बता हरामी हो बेटा जो। अच्छा आपको कोई पसंद आया? पसंद नहीं आया, पसंद वाली बात थोड़ा होती है। अब मिठाई की दुकान में जाएंगे तो अगर पसंद आए तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। अरे मिठाई की दुकान में जाते हैं तो पहले देखते हैं ना कैसी है मिठाई, सीधा खा जाते हैं। यहाँ पे देखो कोई लड़की पसंद आती है तो मैं उससे आपकी बात करवा दूंगी। यहाँ पर नहीं, पहले हम चल रहे हैं वहाँ जहाँ हमारा स्टूडियो है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस, कौन सी जगह है वो? है कृष्ण नगर या राजेंद्र नगर? हाँ मुझे एरिया का नाम नहीं पता, कृष्णा नगर है, राजेंद्र नगर है। अभी हम बैठ चुके हैं और इतनी धूप हो रही ना गाइस आज, कल तो इतना ठंडा हो रहा था, कल के ब्लॉग में देखा होगा आपने, लेकिन आज इतनी ठंडा हो रहा है। गाइस आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको संदीप चुटिया में अच्छे लगते हैं ऊपर, या ऐसे नॉर्मल हेयर में अच्छे लगते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि इनका हेयर कट करवाना चाहिए? कमेंट करके बताओ। 5 minutes later सो गया, देखो उसको दीप, उठो अभी रास्ता आने वाला है हमारा, उठो संदीप उठो, मजाक कर रहा हूँ, छोड़ के चली जाऊंगी यहीं पे, ठीक है? और आपको
बारिश हो रही है यहाँ बहुत तेज। क्रॉस करने वाले अच्छा इधर से बस। सो गाइज अभी हमने कपड़े चेंज कर लिए, मैं तो फिर भीग गया था तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया ये, और अभी हम आए यहाँ पर रील बनाने के लिए। ये पहले येलो पहन रहा था लेकिन शिवी ने येलो पहन रखी है, कि तुम दोनों एक्सचेंज करके पहनते हो क्या? कभी कभी। तो अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी लाइफ की पहली शॉर्ट वीडियो होगी शायद, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको कैसा है एक्सपीरियंस, आप भी बताना कमेंट करके, शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं वीडियो बनाने की लेकिन ये हंसने में लगी है। यहाँ शिवी ने इसका चश्मा तोड़ दिया ये चश्मा बहुत ही गम नहीं है चश्मा टूटने का, गम इसलिए नहीं होगा कि ये ऐसे हंस रहे वीडियो में, ये देखो ऐसे हंस जा रहे हैं, ऐसी वीडियो बन रही है ये देखो कौन मनिया? अरे मनिया दोस्त है, जानते हो ना आप लोग मनिया दोस्त है एक। हाँ। तो बोल रही हूँ मैं, तुम ये इमेजिन करो कि मनिया ये बोल रहे कौन मनिया, मैं उसकी एक्टिंग कैसे करूँ, वो कौन है मुझे क्या पता वो कौन है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको इसको जानता सकती हूँ इसने मेरा चश्मा तोड़ दिया, इसको हार्ट अटैक आ गया, इसको हार्ट अटैक आ गया, मेरा आज मेरे को मार देती है, इसको सही से सोचा इसका आईफोन ही गिरा दिया। चलो वीडियो बनाते हैं, चलो। तो अभी डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो के लिए, ऐसे नहीं करना है, अब जल्दी जल्दी करो, 1 2 पूरा नहीं करना, आधा आधा बस, 1 2 3 4 अब ऐसे ऐसे करो, 1 2 हाथ ऊपर आ गए, वापस आ गए, ठीक है ऐसे करो, ऐसे 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 नीचे नहीं, नीचे नहीं लाना है, ऐसे लाना है, 1 2 1 2 1 2 नीचे नहीं लाना है, नीचे ऊपर और सीधे। तो गाइस हमें तो आई नहीं राम सीख ही नहीं पा रहे क्योंकि मुर्गा वाला स्टेप, चक्सो आ रहा है करना हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और कौन सा स्टेप है, मुर्गा स्टेप है, मुर्गा स्टेप ऐसे करोगे। तो फाइनली हमने बना दिया, सक्सेसफुल हासिल, उजाला हो रहा था तब से बना रहे हैं, अब अंधेरा हो गया तब तक, अब बन गई है, कैसी लगी? तो ऐसे करके जुगाड़ कर रखा है रिंग लाइट, यहाँ पर एक लाइट और एक मेरे मोबाइल में टॉर्च लगाया था। सो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर को, तो इसका तो फोन आ रहा है, मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। और तू कहाँ को जा रही है? मैं शिवी के पास। तो शिवी तो चलेगी नीचे, तो चलते हैं यहाँ से, और काफी अच्छे अच्छे बना रखे रील, इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब चलते हैं। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कल आपके लिए एक सरप्राइज है, एक अनाउंसमेंट है, तो कमेंट करके बताइए। हम एक नई लोकेशन में जाने वाले हैं, 4-5 लोग जाएंगे ग्रुप में, तो कौन सी लोकेशन है मैंने पहले ब्लॉग में बताया, तो आप कमेंट करके बताइए, गेस कीजिए। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।